खरगोन बस स्टैंड परिसर में एक निजी यात्री बस में 4 लाख से अधिक मूल्य का तकरीबन 15 क्विंटल से अधिक मावा जब्त किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। फिलहाल मावे के स्वामित्व के साथ वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, जबकि मावे की सैंपलिंग करके जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि खरगोन पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि कथित बस में भारी मात्रा में मावे के कट्टे रखे हैं, जिसकी सूचना लगते ही SDM ओम नारायण दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और खाद्य विभाग के मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। इस दौरान SDM ने बताया कि इतनी बड़ी मावे की खेप में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले और खाद्य अधिनियम के तहत पड़ताल की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आपके द्वारा सूचना दी गई थी कि काकड़दा में एक बस को ट्रेस किया है और वहाँ से जब इसमें कुछ अनुमान था कि मावा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधता की पर्ची नहीं थी, तो वहाँ से फिर SP साहब के माध्यम से जहाँ पर ये आ रही थी खरगोन, यहाँ पर ये बस आई और यहाँ पर फिर पूरी टीम ने उसको ट्रेस किया। सर, ये कहाँ से माल आ जाती है? ये रतलाम खरगोन बस है, उसमें माल था। अब ये रतलाम से ही आ रहा हो, क्योंकि अभी इसमें हमको कंडक्टर और ड्राइवर मिले हैं, बाकी इसके मालिक के संबंध में इसने सूचना दी है, तो अभी हम सूचना निकालते हैं विधि अनुसार। तो कितने का माल है? लगभग 4 लाख से ऊपर का माल है अभी ये। क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसमें अभी सैंपलिंग ले रहे हैं और अभी इसको कोल्ड स्टोरेज में जब्त करके रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।